हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। पापा का काम चल रहा है करेली छीलने का, और टमाटर और मिर्च काट के रख दिया पापा ने। यहाँ पे सूरज का काम चल रहा है काटने का। ये है मीठा करेला। ये तो दूसरा ही अमरूद जैसा है। मीठा करेला है। हमारे यहाँ इसको अस्कस भी कहते हैं। आसपास बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता ये। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ होते तभी तो बना ले। मतलब हमारे घर में तो नहीं है ना फिर। हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में था ये लगभग 10-15 साल पहले था। इसमें एक ही बेल होता है और इसकी बेल 3-4 साल तक रह जाती है। है लगाने नहीं पड़ता बार बार, ना एक बार लगाओ 3-4 साल तक होगा, बस अपने हिसाब से होता है, हाल भर होता है। ना, ये सीजन में ही होता है, बरसात अच्छा, में की सीजन के बारिश में। हिसाब से। और इसमें होता है एक गुदा होता है एक करेले के अंदर। इसको मीठा करेला बोलते हैं। जैसे अच्छा, वो दूसरा होता है वो कड़वा करेला होता है, और और जो एक हमारे यहाँ होता है वो उसको राम करेली भी बोलते हैं। छोटी वाली जो करेली होती है हमारे यहाँ, ये मीठा मीठी करेली भी बोलते हैं। मीठा करेला है, मीठी करेली। पापा ने काट दिया सब्जी, खाने में पता चलेगा अब कैसा होता है। मैं तो आज पहली बार देख भी रही हूँ और खा भी रही हूँ। पापा ने कितने बार खाया? अच्छा, अभी तो बहुत खाया, इस साल आके खा रहा हूँ, आज ही खाऊंगा बोला। ये और हमारे घर में पधारे यार चंदू सर, रुको, अभी फिर चले का फिर बाहर सुनो इसका। रोटी खा के आ गया हाँ, है? खाए ना मुंह तो धोया नहीं है तूने। से उठा सीधा देख रहे कैसे मार रहा है सूरज को। मतलब घर जा रहा हूँ भाई। चल फिर, बाय बाय। पीछे मुड़ के भी देख ले। पापा ने इसमें सब कुछ डाले हैं, मसाला, नमक, मिर्च, सब डालेंगे सब्जी। इसलिए जो मसाला मिर्च ज़्यादा चाहिए, इसलिए तरकारी में मीठा होता है। अच्छा, मीठा आता है खाने में। मीठा फ्लेवर हो जाता है ना इसको। दिखने में तो बहुत अच्छी हो रही है, मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया। अब खा के पता चलेगा कितनी अच्छी हो रही है। तो पापा की बन गई है सब्जी। हर्षु सुबह सुबह स्कूल जाने लग गई ना। स्कूल जा रही है? स्कूल जा रही है किसके साथ? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ जा रही है? हाँ। पैदल पैदल? अभी तो पैदल जा रही है ना। इतने सुंदर बाल किसने बनाए? मम्मी ने बनाया। हाँ। तूने मेरा वीडियो देखा? हाँ। कब? कल। कल देखा? हाँ। कैसा लगा फिर? अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। बोलती क्यों नहीं है फिर? तू भी तो देखेगी फिर कल अपने आप को। नाश्ता कर दिया? हाँ, तूने कर लिया है? क्या खा के गई? खाना। खाना? अच्छा, खाना खा के गई। हाँ। क्या बनाया था आज खाने में? दूध दूध और रोटी। बाय 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 बोल दे। बाय, जल्दी आना। हाँ? हाँ, क्या लाएगी मेरे लिए? अपनी मम्मी के मुंह की देख रही है, बता तू क्या लाएगी। कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है? नहीं। चल फिर, बाय बाय। बाय। तो हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ नलो काटने के लिए खेत में, क्योंकि हमने कल आधा ही नलो काटा था, तो थोड़ा सा और काटना है। फिर नलो काट के, नलो बाद के हम लोगों ने
एक पेड़ में रखना है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग मलाव काट के पेड़ में कैसे रखते हैं। तो मैं आ गई हूँ खेत में और चाची मेरे से पहले आ गए हैं। चाची ने इतना काट भी दिया है और चाची ने अभी रोटी भी नहीं खाई है। चाची बोल रहे थे सुबह सुबह भूख नहीं है, अब चाची जाएंगे रोटी खाने के लिए, फिर मैं काटूंगी नलाव थोड़ा थोड़ा। तो इस वाले खेत का नलाव काट लिया हमने, तो मैं ये थोड़ा सा घास काटती हूँ, तो तब तक चाची बांधेंगे पुल। नलाव का पुल बांध रहे हैं, देखो नलाव का पुल कैसे बांध रहे हैं, ऊपर ऊपर पतला पतला था और नीचे से पूरा खुला खुला। ये ऐसे की बात भी थे चाची पुल, ऊपर से पतला और नीचे बड़ा, पेड़ में रखने के लिए आसानी होगा। तो चाची बोल रहे हैं ये यहाँ से पतला और नीचे से इतना फैला फैला था, इसलिए बात है ना, क्योंकि पेड़ में रखने के लिए आसानी होगी, ये पेड़ में ऐसे रखेंगे हम तो अटक जाएगा। वो तो चाची चढ़ गए हैं पेड़ में नला रखने के लिए। पहनी हुआ रखोगे चाची? यहाँ रखो लो। तो अभी चाची मेरे लिए दो काट दे रहे हैं गाय के लिए, तो हम इसी वाली टहनी में अभी जो बचे वाले नलो है ना इनको इनमें रखेंगे। चाची वैसे हम नलो इसलिए रखते हैं ना कि ये क्या कहते हैं सड़ेगा नहीं करके ना, चाची बोल रहे हैं वैसे तो हम इसीलिए रखते हैं कि सड़ेगा नहीं करके, लेकिन अब पता नहीं होता कैसा है वो तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ अगर लगातार बारिश आएगी ना तो सड़ जाएगा, अगर लगातार बारिश नहीं होगी तो नहीं सड़ेगा, ठीक होगा, मतलब गायों को खिलाने के लिए सही रहेगा। जो नीचे वाले खेत में हमने नला काटा था वो नीचे वाले पेड़ में रख दिया है, और जो इस वाले खेत का नला है ना तो इस वाले पेड़ में रखने वाले हैं, तो एक बार इनको रख लेते हैं फटाफट से। छोटा सा खेत और है नलों का, आधा जो खेत जितना, तो फिर वो काटना है, पहले इनको रख लेते हैं फिर वो काटने के लिए जाते हैं। खेत से मैं आ गई हूँ नीचे और चाची चले गए ऊपर वाले घर, क्योंकि चाची को पकाना था भात। आज हम लोगों के लिए बन रहा है ऊपर वाले घर ही भात। पापा तो चले गए हैं ऊपर वाले घर, मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने अभी बंसी और खिमू के बच्ची को बांधा है बाहर पे धूप पे, तो अभी थोड़ी देर में उनको गोठ में बांधूंगी। उनको गोठ में बांधने के बाद मैं भी जाऊंगी ऊपर वाले घर। यहाँ पे बांधा है मैंने खिमू के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को, अकेले घर जा रही है आज, मम्मी की नहीं आई, मम्मी की नहीं आई, बताना बता कि नहीं आई, मम्मी नहीं बताएगी, शर्म आ रही है, कहाँ पे नोजी में, चल फिर बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर वाले घर, चाची ने बनाया खाना, तो देखती हूँ क्या बनाया। तो चाची ने बताया घर के चावलों का भात और भट की दाल, और इसमें किसकी सब्जी बनाई है चाची, कढ़ाई में करेल की सब्जी, छोटा ही डालना पहले, पहले छोटा डालना बाद में डालूंगी ज्यादा। चाची मेरे लिए डालने लग गए हैं भात, अब तो भूख भी लग गई है थोड़ी थोड़ी, भात देख के ज्यादा लग रही है, बस बस इतना ही डालो। तो आ गया गरम गरम भात, हा हा हा, भट की दाल और करेले की सब्जी, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। जो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि मेरे ससुराल में अलग और मायके में अलग बनाते, तो हाँ चाची ने इसमें चूक डाल के बनाया, और जो मैंने बनाया था वो मट्ठा डाल के बनाया था, ये भी अच्छी होती है वैसे। तो ऊपर घर से मैं खाना खा के आ गई हूँ नीचे घर, तो अभी का काम मेरा है मिर्च विर्च उठाने का, तो एक बार फटाफट से मिर्च उठा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी है शाम का वक्त है और अभी का मौसम ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं पका रही हूँ दो, एक बार फटाफट से दो पका लेती हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।